लोगों के बने हुए हैं, मगर कई सारे अस्पताल इसको अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और जो टिक्का टुक्का कर भी रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि पेशेंट को उसका लाभ ना मिले, कैसे ना कैसे करके उसको घुमा फिरा देते हैं और टालते हैं, कोशिश करते हैं कि वो पैसे दे के एडमिट हो। जब तक किसी का दबाव नहीं आता, किसी कोई राजनीतिक दबाव, कोई प्रभावी व्यक्ति का उनको फोन नहीं जाता, तब तक वो एडमिट नहीं करते हैं, ऐसा देखने में आया है। जिला योजना समिति की बैठक में हमने निवेदन किया था कि इस बात को गंभीरता से लें और हमें आश्वस्त भी किया गया था उस वक्त, मतलब माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा, कि इसका 4-5 दिन में रिजल्ट निकाल के हम देंगे। कई बार हमने प्रयास भी किए मगर अभी भी उतना अच्छा परिणाम नहीं आ पाया है। तो आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमारे पिताजी के मित्र हैं, इसलिए मैं आपके खिलाफ ज़्यादा कुछ आंदोलन धरने प्रदर्शन भी नहीं कर पाता हूँ उस वजह से। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, ऐसी आप व्यवस्था जमाएं ताकि जिस प्रकार पूरे प्रदेश में मिलावट से जंग सिलावट के संग के जैसी जो आपकी लोकप्रियता बढ़ी थी, आपका अच्छा एक माहौल बन गया था, वैसा ही आयुष्मान के माध्यम से भी आपका नाम हो। और वाकई में बहुत गरीब गरीब बनते ही गरीब गरीब लोगों के, तो इन लोगों के लिए तो दिल खोल के काम हम सबको करना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के करना चाहिए। ये इसमें तो कोई सोच विचार की आवश्यकता ही नहीं होना चाहिए। हम सब राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इसमें तो कोई सोचना ही नहीं चाहिए। मेरा सभी उपस्थित नेताओं से अधिकारियों से यही निवेदन है, मगर उसके बावजूद जिन लोगों को लाभ मिला है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, अधिकारियों को बधाई देता हूँ और सभी लोगों को जिसने इसका लाभ लिया है उसको बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको कभी भी इस कार्ड की ज़रूरत ना पड़े, मगर यदि खुदा ना खास्ता कभी पड़ भी जाए तो आपकी मदद हो जाए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सब ने जो स्नेह प्यार सम्मान दिया उसके लिए आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।